आम आदमी पार्टी के राज्यसभा संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की। आइए जानते हैं इस छापेमारी की क्या वजह रही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी आप सांसद संजय सिंह के यहां छापेमारी की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी। छापेमारी की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। संजय सिंह के अलावा उनके स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के यहाँ भी ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की। आपका कहना है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। दरअसल दिल्ली में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-2022 में शराब नीति लेकर आई गई। आरोप है कि इस नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा देते हुए कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल इस नीति को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर संजय सिंह पर कार्रवाई क्यों की गई? किस आधार पर ईडी ने बुधवार को आप सांसद के घर पर छापा मारा? आइए इस बारे में जानते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के जरिए दायर की गई चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम शामिल है। इस बात को ईडी की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। ईडी सूत्रों ने बताया कि शराब नीति घोटाले में 2 आरोपियों गवाह बन गए हैं। इसमें एक राघव मुंगटा है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। राघव मुंगटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मुंगटा श्रीनाल रेड्डी के बेटे हैं। अदालत ने दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनाने की इजाजत दी है। इन दोनों सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर ईडी ने बुधवार को संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। इससे पहले अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी दिल्ली शराब नीति मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। कुल मिलाकर इस मामले में 3 लोग सहकारी गवाह बन चुके हैं। इस केस में फिलहाल राघव मुंगटा और दिनेश अरोड़ा जमानत पर हैं। दरअसल इस साल जनवरी के महीने में जब ईडी ने चार्जशीट दायर की तो उस वक्त संजय सिंह का नाम भी इसमें जोड़ा गया। संजय सिंह ने इस पर नाराजगी जताई थी। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए यूबी इंडिया न्यूज के साथ।